गांधी जयंती के अवसर पर काली मंदिर अररिया से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पदयात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य 200 किलोमीटर रखा गया है। इस पदयात्रा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हम स्वच्छ को अपनाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करें तथा व्यवहार में परिवर्तन लाएं, ताकि महात्मा गांधी का सपना साकार हो सके। इस अवसर पर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि गांधी जी का सपना था कि जब भारत आज़ाद हो तो यहाँ स्वच्छता हो और गांव का विकास हो तथा खेतों में पानी हो और हर तरफ हरियाली हो। उन्होंने ये भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी यह उद्देश्य है कि भारत के सभी लोग पदयात्रा करें, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें और स्वस्थ रहें, ताकि गांधी जी का सपना साकार हो सके। जयंती के अवसर पर यह पदयात्रा कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, गांधी जी का सपना था कि भारत जब आज़ाद होगा तो भारत में स्वच्छता होगी, स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा, और गांव में हरियाली होगा, खेतों में पानी होगा और गांव का डेवलपमेंट होगा। तो आज हम लोग उसी के उद्देश्य के लेके आज गांधी जी का जयंती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार संपूर्ण राष्ट्र में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने निर्णय लिया कि हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे MP हो, MLA हो या छोटा कार्यकर्ता हो, जो जहां है, आज के दिन से हम लोग पूरा पद यात्रा करेंगे। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर डे हम लोग करना, अभी महीनों चलेगा यह कार्यक्रम। और गांधी जी का 150वां जयंती है, 150 वर्ष हो गया हम लोगों का गांधी जी का। तो गांधी जी के विचारधारा को गांव तक पहुंचाना है, और गांधी जी जो चाहते थे कि प्लास्टिक मुक्त हो भारत में, जो है हर जगह जो है स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, और आज के बाद हम लोग सारा पोलोथीन, प्लास्टिक, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं, ये सब झोला में रखते हैं, सब देखते हैं, हम लोग झोला लिए हैं, सब इसमें असूल रखेंगे और रख रख करके सारा संदेश देंगे हम लोग कि एक तरफ से सफाई का काम शुरू करना है। गांधी जी का मूल मंत्र जो था कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बने, उसी उद्देश्य को लेके जन जन तक आज हम लोग पहुँचाएंगे, और यही आज का उद्देश्य है कि लोग, हर व्यक्ति सफाई करें। हम खुद यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते खुद हम आज पोलोथीन से साफ सफाई करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो प्लास्टिक मुक्त भारत हो, पोलोथीन मुक्त हो, और उसके लिए हम लोग आज से हम लोग पूरा अभियान चला रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि आप पोलोथीन मुक्त और प्लास्टिक मुक्त करिए। आपके शहर एरिया में खुल गया है मल्टी फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल, जिसमें आपको मिलेगा 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सुविधा। ICU, NICU, जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑर्थो फार्मेसी, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटराइज लैब, एम्बुलेंस की सुविधा, जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा। हमारे अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड, 0 माइल अररिया।